Chaitanya Swabhavi Bhagavan Atma. Anadi Ananta Shuddha Chaitanya Matra. Yahi me. देह के अनेक अवस्थाओं में इंद्रियों की अनेक अवस्थाओं में जो ध्रुव चैतन्य तत्व जैसा है वैसा ही है यही मैं खुली आंख से दिखाई देने वाले ये पदार्थ उन पदार्थों का ये जानना ऐसा परिणमन इस ज्ञान की सत्ता ज्ञान में ही है उन ज्ञेयों में कहीं भी नहीं आंख खुली हो या आंख बंद हो ज्ञान का जानना ये परिणमन ज्ञान की सत्ता को छोड़कर आत्मा की सत्ता को छोड़कर इंद्रियों में कहीं भी नहीं जाता यह जागृति की यह जानना ऐसा यह निरंतर ज्ञान का प्रवाह चैतन्य तत्व नित्य आंख खुली हो कान खुले हो नाक खुला हो मुंह खुला हो हवा का स्पर्श चमड़ी को होता हो ज्ञान का जो ये जानना ऐसी ये सत्ता स्वरूप वस्तु जिस द्रव्य का ये जानना ऐसा ये परिणमन इस परिणमन में इंद्रिय के परमाणु की सत्ता कहीं भी नहीं है यह जागृति ये जो जानना ऐसा ये ज्ञान का कार्य ज्ञान का परिणमन ज्ञान की अवस्था इस अवस्था में इंद्रिय कहीं भी नहीं है तो इंद्रिय का विषय इस परिणमन में कहाँ है ये जानना ऐसा ये ज्ञान का ही परिणमन अनादि अनंत ये परिणमन उस परिणमन में इंद्रिय के कोई भी परमाणु नहीं
उस परिणमन में परज्ञेय की कहीं भी सत्ता नहीं। उस परिणमन में ज्ञानावरणी कर्म की सत्ता नहीं। ऐसा यह असंख्य प्रदेशी सत्ता मात्र भगवान आत्मा यही मैं। यही मैं। उस सत्ता मात्र चैतन्य मात्र जो अरूपी चैतन्य मात्र भगवान आत्मा पलटने वाली इस ज्ञान की अवस्था में यह चैतन्य तत्व सदाकाल व्याप्त एकमात्र टिक रहने वाला यही मैं। यही मैं हूं ऐसा एक समय की ज्ञान की पर्याय जो आंख खुली हो कान खुले हो फिर भी यह ज्ञान की एक समय की यह जानना 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 उस ज्ञान की एक समय की यह अवस्था जो ज्ञेय को जानने रूप ये परिणमन उस परिणमन में परिणमन पर जोर नहीं और ज्ञेय पर जोर नहीं और चैतन्य की ध्रुवता पर उस ज्ञान की पर्याय का जोर कि यह चैतन्य जो विराट यही मैं हूं। आंख कहीं भी वहां नहीं शरीर कहीं भी नहीं उस चैतन्य की सत्ता ज्ञान की सत्ता यह ज्ञान मात्र चैतन्य मात्र मैं हूं। मेरी सत्ता जोर दृष्टि का जोर उस सत्ता पर दृष्टि का जोर आंख पर नहीं दृष्टि का जोर उस सत्ता चैतन्य सत्ता पर कि यह सत्ता स्वरूप द्रव्य वही मैं हूं। यह सत्ता स्वरूप द्रव्य यही मैं हूं। चैतन्य की सत्ता यही मेरी सत्ता उस सत्ता के बाहर मैं कहीं नहीं ऐसा निर्णय करने वाली उस ज्ञान की अवस्था जो अवस्था ज्ञान की खुली आंख से जगत के पदार्थों को जानने का कार्य करने वाली ये जानना 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 उसी अवस्था में वो जगत के ज्ञेय नहीं उस अवस्था में अब जगत के ज्ञेय नहीं इंद्रिय नहीं उस जानने के प्रवाह में सर्वत्र व्याप्त ऐसा वो ध्रुव एक सत्ता मात्र पदार्थ ये चैतन्य तत्व उस पर्याय का विषय वह कि यही मैं हूं। मैं ही परमात्मा हूं। मैं परमात्मा हूं ऐसा जानने का परिणमन वो परिणमन ज्ञान का मैं परमात्मा हूं ये परिणमन ज्ञान का जैसे ज्ञान का परिणमन
वो जगत को जानने रूप पदार्थ को जानने का कार्य होता था, ऐसा ही ज्ञान का ज्ञान का ज्ञान का ज्ञान का ज्ञान का वो जानना 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 जो परिणमन, वो जगत के ज्ञेयों को जानने रूप परिणमन, मगर वो परिणमन जगत का नहीं था, वो भी ज्ञान का ही परिणमन। अनादि काल से अनंत ज्ञेयों को जानने रूप परिणमित होने वाला ज्ञान, वह ज्ञान का ही परिणमन। और उस अनंत ज्ञान के परिणमन में, ऐसे अनादि अनंत परिणमन में व्याप्त जो चैतन्य की ध्रुवता, वो वर्तमान की एक समय की अवस्था में वो ध्रुवता जानने में आई कि यही मैं हूं। एक समय की ज्ञान की अवस्था में फिर वो आंख का खुला होना, आंख का बंद होना, वो आंख का खुला होना, आंख का बंद होना, कान का खुला होना, कान का बंद होना, मगर ज्ञान का परिणमन जो परिणमन में वो आंख नहीं, वो आंख का विषय नहीं, उस ज्ञान के जानने रूप परिणमन में वो चैतन्य की सत्ता जानने में आती है। ये चैतन्य सत्ता ही मैं हूं। वो सत्ता न्यारी है, वो सत्ता वो न्यारी है, वो इंद्रियों में कहीं भी नहीं, वो ध्रुव, वो एक समय की पर्याय में वो सत्ता कहीं भी नहीं। एक समय की जानने वाली पर्याय को भगवान आत्मा मानना भगवान आत्मा की हत्या है। एक समय की पर्याय में वो नहीं, वो त्रिकाल सत्ता मात्र, वो पर्याय के परिणमन में जानना जानना जानना, ऐसे पर्याय के परिणमन में जानने जानने जानने, ऐसा सहज ऐसा परिणमन, उस ज्ञान को विकल्प नहीं है। विकल्प से जानने वाला वो ज्ञान नहीं है, और विकल्प ज्ञान नहीं है। जानना 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 वो विकल्प से नहीं, ज्ञान से विकल्प नहीं और विकल्प से ज्ञान नहीं। प्रभाव के कारण ये स्वभाव का कार्य नहीं, और स्वभाव के कार्य के कारण प्रभाव का कार्य नहीं। ज्ञान का कार्य स्वतंत्र है, जानना जानना वो स्वतंत्र है, वो विकल्प से नहीं। विकल्प की जहां उस जानने के प्रवाह में स्वतंत्रता, ये ध्रुव जानना जानना जानना, जो भी पदार्थ ज्ञान में जानने में आया, वहां ज्ञान में तो पदार्थ है ही नहीं। ज्ञान में पदार्थ तो है ही नहीं, ज्ञान में वो पदार्थ नहीं। और उस ज्ञान की एक समय की पर्याय की उस एक समय की अवस्था में वो पदार्थ नहीं जो जानने में आया, उस एक समय की ज्ञान की अवस्था में वो पदार्थ नहीं जो जानने में आया, और एक समय की ज्ञान की अवस्था दूसरे समय की ज्ञान की अवस्था में वो पदार्थ नहीं, तीसरे समय की ज्ञान की अवस्था में वो पदार्थ नहीं, और ऐसी एक एक समय की पलटती 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 ऐसी ज्ञान की अवस्था जिसमें कोई पदार्थ है नहीं पर पदार्थ उसमें है ही नहीं, ऐसा ये जानने का प्रवाह ज्ञान का, जानना 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 अनेक अवस्थाओं में पलट करके वो चैतन्य मात्र टिक कर रहना, ऐसा वर्तमान पर्याय में जानने में आना, वो ज्ञान में त्रिकाली है, यही मैं हूं। एक समय की ज्ञान की अवस्था में, एक समय की ज्ञान की अवस्था का वो जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य सत्ता पर है, वो लक्ष्य सत्ता वो चैतन्य की जो ध्रुव टिक करके रहने वाली। पर्यायों में व्याप्त सर्वत्र जो है टिककर वह गुण, और ऐसा एक गुण नहीं, अनंत गुणों का घनपिंड वह सत्ता स्वरूप यह चैतन्य तत्व
ये चैतन्य तत्व यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। ये चैतन्य तत्व की जो सत्ता, एक समय की जो पर्याय, जिसने ये जाना कि ये चैतन्य तत्व जो अनादि अनंत पर्यायों में व्याप्त, अनादि अनंत पर्यायों के प्रवाह में व्याप्त, एक जो नहीं पलटता, जो है वो सदाकाल है, जो पर्यायों में बाहर नहीं आता, वो जो सदा काल अपनी सत्ता में टिक कर रहने वाला वह चैतन्य मात्र, ऐसा इस समय की पर्याय ने ऐसा अनुभव कि यही मैं हूं। पर्याय पर्याय नहीं, वो पर्याय अनुभव करती है कि मैं सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा, वो निर्विकल्प हुई। वो पर्याय पर्याय नहीं, पर्याय ने ये अनुभव किया कि यही मैं। पर्याय का विकल्प उस समय मिटा कि ये पर्याय मैं, ऐसा विकल्प मिटा। वो पर्याय तो रही एक समय, एक समय की पर्याय जिसमें निर्णय हुआ, एक समय की पर्याय जिसमें अनुभव, वो पर्याय की सत्ता तो है, मगर पर्याय मैं पर्याय हूं इस रूप में सत्ता नहीं, मैं ही द्रव्य हूं। ये सत्ता स्वरूप, ये चैतन्य सत्ता, यही मैं हूं। जानना 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 जानना, कितना जानना, किसको जानना, ये नहीं, मात्र जानने रूप परिणमन। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से ये जो अप्रभावित रहने वाला ये जानना जानना जानना, अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंब उस ज्ञान की अवस्था में पड़े, फिर भी दर्पण की स्वच्छता की तरह ये ज्ञान सदा स्वच्छ है। पहले समय का स्वच्छ, दूसरे समय का स्वच्छ, तीसरे समय का स्वच्छ, ऐसा नहीं। वो जो स्वच्छता ही जिसका लक्षण है, ऐसा व्याप्त स्वच्छ, स्वच्छता सर्वत्र व्याप्त, ऐसा वह दर्पण का स्वभाव। ऐसे ही ज्ञान का त्रिकाल स्वच्छता मात्र, कौन सा ज्ञेय प्रतिबिंबित हुआ उस अवस्था पर जोर नहीं, वो सत्ता मात्र जो चैतन्य मात्र जो है, ऐसा एक समय की ज्ञान की अवस्था में जाना और उस अवस्था ने यह स्वीकार किया कि यही मैं। जब स्वीकार किया तब वो स्वीकार द्रव्य के लक्ष्य से किया, तब देह मेरा और देह मेरा नहीं, वो विकल्प ही नहीं, क्योंकि वहां तो वो द्रव्य की सत्ता अनुभव में है कि यही मैं। देह के साथ देह की ओर लक्ष्य जाए और ये देह मेरा, वो तो देह दृष्टि, ये देह मेरा नहीं है, ये देह दृष्टि है,
जब चैतन्य की ओर वो पर्याय का ध्यान गया कि यही मैं, तब वो देह का विकल्प ही नहीं, वो यही चैतन्य तत्व में वो शांत चैतन्य के आ यही चैतन्य सत्ता मां, ये ध्रुव यही मैं हूं, ये विराट। एक समय की पर्याय ने पूरी तरह से ऐसा रस चखा उस विराट का, एक समय की पर्याय में ही वो विराट का रस, कि वो स्वरूप विराट का अलग अलग नहीं, वो भूतकाल में जाकर के रस नहीं चखा, भविष्य की कल्पना करके रस नहीं चखा, वर्तमान में नहीं, वो तीनों काल में जो एक ही चैतन्य स्वरूप है उस स्वरूप का रस चखा, ऐसा त्रिकाली स्वरूप एक समय की पर्याय में अनुभव में आया। ऐसा स्वरूप है भगवान, ये चैतन्य की सत्ता यही मैं, ये सत्ता मात्र, उस सत्ता में रह करके उस सत्ता की जागृति से इन परमाणुओं को, राख की दीवार को वहां फैलना नहीं हुआ, कि पर्याय का जब वो द्रव्य की ओर लक्ष्य गया कि यह द्रव्य ही मैं, और ऐसा जो अभेद ऐसा निर्विकल्प अनुभव कि यही द्रव्य मैं, तो पर्याय की ओर वहां पर ध्यान ही नहीं गया, देह की ओर ध्यान ही नहीं गया कि देह की सत्ता, वो देह के परमाणुओं का ढेर, जब देह मैं नहीं और सुमेरु पर्वत मैं नहीं, तो सुमेरु पर्वत की ओर तो ध्यान जाता नहीं है, आंख बंद नहीं करनी पड़ी सुमेरु पर्वत को नहीं देखने के लिए, सामने सुमेरु का चित्र भी हो तो दिखाई नहीं देता क्योंकि रुचि नहीं, ऐसे ही इस राग की दीवार की ओर ध्यान ही नहीं गया, ऐसा चैतन्य का रस, वो रस जब चखने में आया कि देह हो चता देहाती दशा प्रकट थई, ऐसा ये चैतन्य स्वरूप है भगवान। सौ पदार्थों को जानने वाला, 200 पदार्थों को जानने वाला, 100 शास्त्रों को जानने वाला, 200 शास्त्रों को जानने वाला, ये क्षयोपशम ज्ञान अंतर में डुबकी नहीं लगाता, कि अंतर में डुबकी लगाता नहीं, वो तो इतना जानता, वो क्षयोपशम ज्ञान तो बाहर, वो पढ़ा हो तो भले पढ़ा हो, वो धन को लेकर के द्रव्य में नहीं जाता, जैसे ऐसे ही मैं इतने शास्त्रों को जानता हूं, उस शास्त्रों को जानता हूं, वो लेकर के अंदर में नहीं जाता, पर्याय गुरु के समीप गई, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ये परम गुरु है, उस परम गुरु के समीप जब पर्याय गई तब बुद्धि को तो उसने छोड़ा, मैं इतना जानती हूं, इतना जानती नहीं, जानना मात्र, उस जानने मात्र में त्रिकाली जानने में आता है, इतना जानता हूं उसमें वो त्रिकाली जानने में नहीं आता। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये 500 शास्त्रों को जानने वाली उस ज्ञान की पर्याय में जानने में नहीं आता, वो शास्त्रों को जानता वो तो एक और, निर्मल ज्ञान की एक समय की ऐसी पर्याय उस निर्मलता में, निर्मलता जानने में आती है, खंड 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 ऐसे उस ज्ञान में वो निर्मल चैतन्य तत्व जानने में नहीं आता, वो तो परज्ञेय है, वो ज्ञायक नहीं है, क्षयोपशम ज्ञान तो परज्ञेय है, द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय और भावेंद्रिय के विषय ये परज्ञेय है,
बुद्धि का बोझ लेकर के वो चैतन्य का दर्शन नहीं होता, वो बोझ तो नीचे उतर यहां मैं नहीं, उस बोझ को तो बोझ ऊपर इतना कि वो हाथ छूटता ही नहीं, सिर पर जो बोझ है हाथ छूटता ही नहीं उस बोझ से। हाथ छूटे तो गुरु के चरणों में पैर छुए वहां पर, मगर हाथ ऊपर बोझ इतना है कि वो गिर जाने का भय है। अब बोझ ही जिसका उतर गया कि हाथ खुले हुए कि अब वो झुका, और बोझ वो पर्याय का बोझ मिटा कि वो पर्याय वो परम गुरु ऐसे चैतन्य तत्व की ओर झुकी। तब तक तो झुकती ही नहीं वो बोझ लेकर के कि मैं इतना जानती हूं। जानना हे प्रभु, जानना जानना जानना, ऐसा ये जो प्रवाह है ना, उस प्रवाह में मात्र निर्मल ज्ञान में, पहले से ही भरी थाली में भोजन नहीं, धूल वाली थाली में भोजन नहीं, थाली को साफ करके थाली में भोजन रखा, पहले थाली को निर्मल ज्ञान की पर्याय में वो भगवान आत्मा जानने में आया, इसलिए वो शुद्ध जानने में आया। थाली अशुद्ध है तो वो जो अंदर पड़ा वो भी अशुद्ध, और वो अनुभव में भी अशुद्ध, वो खंड खंड रूप ज्ञान में वो भगवान आत्मा नहीं, वो तो पर ऐसा जान करके ज्ञान की निर्मलता में वो जानने की यही चैतन्य तत्व में वो निर्मल पर्याय में निर्मल चैतन्य का दर्शन हुआ। निर्मल पर्याय का प्रवाह, वो निर्मल जानना 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 जानना, केवल ज्ञान में वो क्षयोपशम ज्ञान नहीं, महाबुद्धि नहीं, बुद्धि में वो जानने में आता तो केवली को आत्मा जानने में नहीं आता। वो ज्ञान की निर्मलता में ये जाना कि यही मैं, वो निर्मलता अनंत काल तक है, उसमें जहां वो चैतन्य तत्व जानने में आता है, और वो भी निर्मलता पर जोर नहीं, वो निर्मलता ने जिसको जाना वही मैं, वो नित्य का जोर है, यह चैतन्य तत्व यही मैं हूं भगवान, ये चैतन्य भगवान भगवान यही मैं भगवान हूं यही मैं। Oh.